हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में जब मैंने कुछ जॉब को लेके पीएचडी का जो कंटेंट डाला था उसको लेके कुछ क्वेश्चंस मैंने ड्रॉप किए थे, उन क्वेश्चंस के बेस पे जो कमेंट्स आए वो सबसे ज़्यादा कि लाइक सर डिस्कस अबाउट पीएचडी विदाउट नेट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि इस पैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दो, सो दैट कि इससे रिलेटेड या किसी भी रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जब आपको वीडियो मिले सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो नेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रोल है पीएचडी में, ऐसा सब लोग समझते हैं और डेफिनेटली है भी एक बहुत बड़ा रोल। तो बट अब हम ये नहीं बताएंगे कि नेट का बेनिफिट क्या है, वो आई गेस सबको पता है नेट होने से क्या क्या फायदे होते हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मगर अगर किसी ने पीएचडी किया और नेट नहीं है तो क्या उसको नुकसान होगा, क्या उसको कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा? दैट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर चॉइस, अपॉन योर प्रायोरिटीज, गॉट इट? तो चलिए हम पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो नेट या नेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको करवाती है स्टूडेंट्स के एलिजिबिलिटी के लिए, जिससे कि वो एनरोल हो पाए पीएचडी में केवल इंडियन यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, अगर आप क्वालिफाइड हैं सो एक क्राइटेरिया बन जाता है एंड यू विल बी एलिजिबल। मगर अभी 60% बोला गया है कि 60% द टोटल सीट ऑफ द एकेडमिक ईयर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फिल्ड बाय नेट, मतलब 40% जो 40% सीट्स होंगी वो डायरेक्टली भी फिल होंगी, यानी 40% स्टूडेंट्स ऐसे एडमिट हो रहे हैं जिनके पास नेट जेआरएफ या नेट एलएस नहीं है। अब शायद ऐसे ही स्टूडेंट ये टेंशन में है कि क्या हमारा जो पीएचडी में एनरोल हो चुके हैं या हम पीएचडी कर लिए हैं बट हम नेट नहीं निकाल पाए, सो इज इट वर्थ, अभी क्या होगा हमारे साथ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है क्या मेरे में और जिसके पास जेआरएफ है जिसके पास नेट है? काफ़ी लोग क्या करते हैं, एडमिशन लेने के बाद अपनी तैयारी करते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक निकाल लेते हैं, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं निकालते और छोड़ देते हैं। कुछ भी नुकसान नहीं है स्टूडेंट्स, जो भी आप लोग देख रहे हो अगर कोई नेट क्वालिफाइड नहीं है तो मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप पीएचडी के बाद सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं, देन आप बिना नेट के पीएचडी मत करो। मगर मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग बोलते हैं कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मेरा एम एक प्रोफेसर बनना है पीएचडी के बाद, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेसर और टीचिंग इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूजीसी के अंदर नेट का इम्पोर्टेंस हो चुका है। तो अगर आपके पास नहीं है सो इट विल बी अ डिफिकल्ट, मगर मैं अभी आपको उसके अलावा इतने बेहतर ऑप्शन दिखाऊंगा कि आप बोलेंगे कि मुझे प्रोफेसर नहीं बनना है, गॉट इट? चलिए तो पहले तो मैं कुछ एक नॉर्मल से बेनिफिट बता देता हूं जो कि नेट वालों के पास होंगे, नेट जेआरएफ के पास, और उन बाकी के पास नहीं होंगे। आप लोग अपना जेआरएफ एक्टिवेट करा सकते हो, अगर आपने नेट जेआरएफ निकाला है तो उससे आपको एक अच्छा अमाउंट फेलोशिप का मिलेगा। आप टॉप यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, इट डज नॉट मीन कि आपने जेआरएफ नेट निकाला तो आप बन जाओगे, बहुत बड़ा चैलेंज है, गॉट इट? प्रमोशन मिल सकता है आपकी कुछ एग्जिस्टिंग जॉब में या रिसर्च जॉब में, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो और आपने नेट निकाला तो आपको एक प्रमोशन, एक बेनिफिट मिलेगा, दैट्स इट। हायर प्रेफरेंस मिलता है कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज में, स्पेशली इन केस वेयर आप सीवी में मेंशन करोगे दैट यू आर यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिलेगा, बट आपका कैंडिडेट टीचर अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है।
देन अपॉर्चुनिटीज टू PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी कई जगह नेट को बेनिफिट लेते हैं, मगर आपका प्रोफाइल अगर अच्छा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेट को ही लें. गॉट इट. चांस टू बिकम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट बिकॉज आप UGC नेट के थ्रू आप PhD करते हो या नॉर्मल भी PhD करते हो जब आपका नेट होता है तो आप एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड ले लेते हो तो बन जाते हो. बट आप मुझे बताओ कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट बिना नेट के नहीं बन सकते? इज इट पॉसिबल? नो, नथिंग. चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज जिसमें कि नेट या JRF की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एंड यू विल बी सरप्राइज एंड यू विल बी हैप्पी कि नेट ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अगर आपके पास है एक नेशनल लेवल टेस्ट, आपने एक कॉम्पीट किया है, बट अगर नहीं है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है. चलिए देखिए, ये सबसे पहला जो मैंने पेज खोला है दैट इज द टाटा मेमोरियल सेंटर, कैंसर का सेंटर है. ये एक ऑटोनॉमस ग्रांड इन एड इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट्स लाइक अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और इनकी सर्विसेज भी गवर्नमेंट की तरह होती हैं. अब हम बात करते हैं करियर की. इसके अंदर जॉब ऑप्शंस ये कहाँ कहाँ पे है, मुंबई, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, पंजाब, गुवाहाटी, बनारस, बनारस में दो हैं, मुजफ्फरनगर. गॉट इट. अब मैं इसके करियर ऑप्शंस के थ्रू, मैंने पेज पहले से खोल रखा है, अदरवाइज इट विल टेक अ टाइम टू बफर. अब देखिए ये कुछ जॉब्स इसके अंदर आए हैं, आई विल शो यू. मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं वो आपको बताना चाहता हूँ. देखिए रिसेंटली ये जॉब वैकेंसी है, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम टू ओपन गाइस. तो ये देखिए जो टाटा की मैंने वैकेंसी एक जो आपको दिखाई थी उसमें कई सारी पोस्ट हैं, साइंटिफिक ऑफिसर अलग अलग ब्रांच के अंदर, हीमेटोपैथोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर पैथोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, जनरल मेडिसिन, बहुत सारी हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट, BC, ठीक है, टेक्नीशियन. चलिए अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी पे. गॉट इट. आप देखिए साइंटिफिक ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन, ये स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट की बात हो गई. यहाँ कहाँ पे लिखा है NET LS या NET JRF, आप मुझे दिखाइए. गॉट इट. मैं अभी दिखाता हूं आपको. साइंटिफिक ऑफिसर C, MSc और एक्सपीरियंस. गॉट इट. हीमेटोपैथोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोलॉजिकल साइंस, नथिंग एल्स लाइक JRF. साइंटिफिक ऑफिसर कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात ही नहीं कर रहा. माइक्रोबायोलॉजी साइंटिफिक ऑफिसर, MSc विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ. आप वो देखिए, साइंटिफिक ऑफिसर मॉलिकुलर पैथोलॉजी, MSc एक्सपीरियंस एंड दैट्स इट. स्पेसिफिक एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस, नॉट JRF, नॉट LS. गॉट इट. न्यूक्लियर मेडिसिन आप देख लीजिए. अब मैं सीधे सीधे यहाँ Ctrl+F करता हूँ और डाल देता हूँ नेट. एक भी जगह आपको नेट या JRF नहीं मिलेगा, देख लिया आपने. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. मैं अभी आपको और एग्जाम्पल्स दिखाता हूं. ये देखिए आईसर भोपाल, ये भी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है. इसमें जो एडवर्टीजमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, आई शो यू दैट एडवर्टीजमेंट. सी बायोलॉजिकल साइंस, ये सब इनके एरिया हैं. मैं अभी डिपार्टमेंट और किसमें पोजीशन है ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ. मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. नाउ यू कैन रीड दिस. PhD विद फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट एट द प्रीसीडिंग डिग्री एंड एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट एन एडिशनल टू प्रूव द ट्रैक रिकॉर्ड. सैलरी स्ट्रक्चर 70,000. यू कैन सी 1 year ऑफ पोस्ट डॉग एक्सपीरियंस. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप नेट होने चाहिए, NET LS होने चाहिए, NET JRF. आई शो यू द नेक्स्ट वन ऑल्सो. दे आर सम अदर जॉब्स विच आई हैव ऑलरेडी ओपन. सी दिस इज द CSIR जॉब्स. सो CSIR के ऑल ओवर इंडिया सब जगह इंस्टीट्यूट्स हैं. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. बताइए प्रोफेसर से कंपैरिजन आप करोगे इन सारी जॉब्स का, दीज जॉब्स आर एट द टॉप ऑफ द रिसर्च. आप PhD कर रहे हो तो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहोगे ना कि प्रोफेसर बनना चाहोगे. आई डोंट नो, अगर आपका प्रोफेसर चॉइस है देन इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. आप ये वीडियो को मत देखिए. गॉट इट. अब देखिए, अब मैं आपको इसमें से भी एक जॉब दिखाता हूँ, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट. यू कैन सी द एलिजिबिलिटी अगेन. PhD एंड मास्टर्स डिजायरेबल, में भी PhD एक्सपीरियंस 6 year वगैरह वगैरह वगैरह.
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गॉट इट? आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा कि आप नेट क्वालिफाई हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। ICMR, आप समझ रहे हो ना ICMR कितना बड़ा टॉप इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर मैं आपको कुछ नॉन मेडिकल की पोस्ट दिखाता हूँ, मेडिकल तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये देखिए साइंटिस्ट सी, चलिए एडवर्टीजमेंट खोलते हैं इसका। नाउ गो थ्रू द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जस्ट रीड आउट, मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज लाइक फर्स्ट क्लास MSc और एक्सपीरियंस इन एलाइजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज वो वहाँ पे आपको जॉब दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि आपका एक्सपर्टीज हो, बट इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आपको नेट चाहिए। गॉट इट? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं आपको क्यों ये पोज दिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी बंद करता हूँ मैं, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। चलिए कुछ एम्स की जॉब दिखाता हूँ जो नॉन मेडिकल से हैं। देख सकते हो आप PhD विद एटलीस्ट वन फर्स्ट ऑथर और जॉइंट ऑथर, कोरस्पॉन्डिंग ऑथर और एक साल का एक्सपीरियंस, आपको हर जगह इसी टाइप का मिलेगा, PhD विद वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद पेपर। तो कहने का मतलब अगर आपका रिसर्च प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो आप ये समझ लो कि आप भूल जाओ कि आप कुछ कर सकते हो। आपको रिसर्च प्रोफाइल अच्छा करना होगा, आपके पास अगर PhD नेट नहीं है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छी जॉब्स की कमी नहीं है। गॉट इट? चलिए मैंने अभी कुछ और भी खोल रखा है, वो भी कवर कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। देखिए एम्स के रिक्रूटमेंट है, सेम है एग्जैक्टली, डायरेक्टली आपको यहां एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। आई विल शो यू, कि मैंने बहुत से रिक्रूटमेंट देखे एंड आप यकीन नहीं करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स, ग्रेजुएशन, PG और कुछ केस में जहां पर साइंटिस्ट की पोस्ट है वहां पे PhD। गॉट इट? ये देखिए स्टेट लेवल VRDLs हैं कुछ, जहां पे अगर आप साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आपको PhD, वन ईयर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो अब आप मुझे बताइए कि आई होप यू आर सेटिस्फाइड इनफ कि सिर्फ नेट निकालना एक जरूरी टास्क है? नहीं। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट हो किसी भी जॉब को लेके तो प्लीज मेरे को पोस्ट करो, आई विल क्लियर योर डाउट। कि नेट नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, जस्ट गो हेड फॉर योर PhD। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर इन्फॉर्मेशन और जितने भी मैंने रिसर्च करके आपको लिंक्स दिए दैट यू लाइक, देन प्लीज हिट द लाइक।